हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए यहां पे बहुत बड़ा अपडेट आ रहा। जितने भी कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और यहां पे थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, तो फाइनली रेलवे की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट यहां पे रिलीज हो चुका है। और सबसे बड़ा इसमें अपडेट ये है ना कि आपका मेरिट लिस्ट के साथ साथ इसमें आपका कटअप भी रिलीज किया गया है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल देखेंगे कि कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और जितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है टोटल रिमेनिंग वैकेंसी कितना है, क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट का भी प्रावधान बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, कितने परसेंट पर किस ट्रेड में कैटेगरी में कितने लोगों को सिलेक्शन किया गया, कट ऑफ किया गया, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल थर्ड मेरिट लिस्ट के पोर्शन पे जो रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। और इसमें कैंडिडेट का हमेशा एक सवाल रहता है कि सबसे पहले सर आप कट ऑफ को बताया करिए, उसके बाद में मेरिट लिस्ट का जानकारी दीजिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में ऐसा ही होगा कि पहले हम कट ऑफ को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने परसेंट पर क्या हुआ है वो पहले देख लीजिए, उसके बाद कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स ऑफ नन PWBD थर्ड फेस एक्ट अप्रेंटिस, इसमें हैंडीक्राफ्ट वाले एक भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड नहीं है। ठीक है ना, चलिए ट्रेड के बारे में बात करते हैं। डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, टोटल यहां पे 6 ट्रेड वाले कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। एक एक करके कट ऑफ देखते हैं। तो डीजल मैकेनिक का बात करेंगे तो सबसे कम कट ऑफ यहां पे गया है और इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया है। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए भी अच्छा खबर है जो फाइनली वेटिंग में शामिल है, और उम्मीद है कि वेटिंग वालों का भी यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका भी ज्वाइनिंग का प्रावधान यहां पे जरूर उनको भी चांस मिलेगा। उनको घबराना नहीं है कि सर मेरा वेटिंग में है तो मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूरा चांसेस बनेगा कि आपका भी रेलवे अप्रेंटिस में ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है ना, अब चलिए फाइनली बात करते हैं कि डीवी के लिए जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है कट ऑफ कितना गया है। तो डीजल मैकेनिक का देखेंगे सबसे पहले, तो मेल लिस्ट में देखते हैं। तो मेल लिस्ट में हम ओबीसी का सिर्फ अभी कवर कर रहे हैं, बाकी आप एसटीएससी या फिर अनरिजर्व जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई किए आप एक एक करके कट ऑफ मिला लीजिएगा। मेल लिस्ट में डीजल मैकेनिक का 77.33% पर शॉर्टलिस्टेड हुआ है। स्टैंड बाय लिस्ट अर्थात वेटिंग लिस्ट में बात करेंगे तो 77% पर शॉर्टलिस्टेड हुआ है। इलेक्ट्रीशियन में बात करेंगे मेल लिस्ट में, तो यहां पर देखिए ओबीसी का 81.33% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में अगर बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का, तो यहां पे देखिए 81.05% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ये डीबी का मेरिट लिस्ट है, ये मैं सोचिएगा कि ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट है। ठीक है, नहीं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का बात करते हैं, जिसमें आपका मेल लिस्ट में 74.73% पर ओबीसी कैटेगरी में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वहीं अगर वेटिंग लिस्ट में बात करें स्टेट बाय लिस्ट में, तो 73.85% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फीटर का। तो फीटर में मेल लिस्ट में जो शॉर्टलिस्टेड हुआ है उसमें कोई भी कैंडिडेट यहां पर शामिल नहीं है फीटर में, क्योंकि फीटर का ऑलरेडी सीट फुल हो चुका है। तो उससे बढ़िया हम अनरिजर्व का देख लेते हैं। तो अनरिजर्व में आप देख लीजिए 59.05% पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में। ठीक है, मैकेनिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिस्ट का मेल लिस्ट में जो सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत वो आपका 68.25% पर हुआ है। वहीं अगर वेटिंग वालों में बात करेंगे तो वेटिंग लिस्ट में आपका 57.62% पर हुआ है। सोच लीजिए 57, 68, 60% पर, 59% पर मेरिट बन रहा। अब आने वाला टाइम में इतना कम पर मेरिट लिस्ट आपको कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जितना कैंडिडेट का कम परसेंटेज बन रहा पार्टिकुलर सभी डिवीजन का फॉर्म अप्लाई करिए, ताकि जहां पे भी कम मेरिट लिस्ट जाएगा वहां पे आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी वेल्डर में बात करें तो वेल्डर में सभी सीट फुल हो चुका है, सिर्फ आपका अनरिजर्व का सीट बचा हुआ है। तो अनरिजर्व में आपका 62.1% आपका मेन लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट में बात करेंगे तो 55% पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये फाइनली था थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज कटअप। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस डिवीजन से आया है, कितने कैंडिडेट को सिलेक्शन किया गया, वो सारा कुछ देख लीजिए। तो फाइनली आप सभी देख रहे हैं कि ये जो मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है, और कल के ही डेट में ऑफिशियल साइट पे इसका अपडेट किया गया है। ये मेरिट लिस्ट को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सीधा आपको विजिट कर लेना है प्रॉफिट स्टडी। गूगल पे जाके टाइप करिएगा profitstudy.in और सीधा आपको मेरिट लिस्ट के सेक्शन में चले जाना है, वहां से जाके इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक प्रोवाइड किया जा चुका है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए
अब इसमें आपको बताया जा रहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 4103 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया, सेकंड डीवी कंप्लीट हो गया और फाइनली यहां पे थर्ड डीवी के रिगार्डिंग जो मेरिट है वो डिपार्टमेंट रिलीज कर दिया है, इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत सारी सीटें खाली है। यहां पर आपको बोला जा रहा कि फर्दर टू दिस ऑफिस नोटेड दैट 8/9/2023 और 15/11/2023 दी फॉलोइंग 471 अर्थात 471 कैंडिडेट को प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड किया गया है थर्ड फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो लिस्ट भी है इसमें आपका शामिल है। उसमें आपको उसके बाद बताया जा रहा कि ये आपका थर्ड डीवी के रिगार्डिंग शॉर्टलिस्टेड है, जिसमें आपका कटअप भी जारी किया गया है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कंडक्ट होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका कंडक्ट होगा 7 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होने वाला है। एक दिन में लगभग आपका 235 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे करवाएगा। कितना? 235 का एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहां पे दो दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, कौन कौन सा? 7 दिसंबर और 8 दिसंबर के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। एक एक करके सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में नाम चेक करिए और सही से ना देखने के कारण आपको ऐसा लगे कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, और पर जब डीवी हो जाए तब आप सही से चेक करिएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपका नाम है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा टाइम निकालकर मेरिट लिस्ट को देख लीजिएगा, तब आपको पूरा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? इसमें देख लीजिए आपको जो कॉल लेटर डाउनलोड का लिंक है वो आपको ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। जब साइट पर आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसी अपडेट आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है? अब यहां से लिस्ट आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपका सीरियल नंबर, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कम्युनिटी, ट्रेड सेलेक्टेड, मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ या फिर स्टैंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, वो सारा डेटा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां से एक एक करके सभी अपना जो भी कैटेगरी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं एक एक करके सभी अपना मिला लीजिएगा, और जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर अटेंड करिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ने वाली चीज नहीं है। बाकी जो यहां पर डीवी का कट ऑफ का अपडेट था, कट ऑफ का ऑलरेडी हमने आपको अपडेट दे दिया। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्रॉफिट स्टडी की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरिट लिस्ट के सेक्शन में। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे कोई नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में रेलवे का टोटल 4 अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा रहा। कौन कौन सा? पहला अगर बात करेंगे तो BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी 374 पोस्ट पे। दूसरा अगर बात करेंगे तो NCR प्रयागराज का है, टोटल कितना पोस्ट पे? तो 1697 पोस्ट पे। थर्ड नंबर में बात करेंगे तो ECR पटना की तरफ से आ गया है, जिसमें टोटल यहां पे बात करेंगे तो 1832 पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अब रिसेंटली कल का डेट में एक नया अप्रेंटिसशिप आ गया, कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का, जिसमें अगर टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो 1104 पोस्ट पर यहां पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको मिलाकर लगभग 4000 के आसपास टोटल सीटें हैं, और जितने कैंडिडेट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि BLW का आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? इसका लास्ट डेट आपका 25/11/2023 के डेट में रखा गया है। तो जितने कैंडिडेट अप्लाई नहीं किए हैं, और इसमें आपका 10th पास वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ-साथ ITI पास भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।